दोस्तों, यदि आप कॉल डायलर में यदि आप अपना बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कोई भी नंबर डायल करके यहाँ से मैं फ़ोन कर सकता हूँ और डायलर के बैकग्राउंड में मेरा फ़ोटो है। और साथ ही साथ ये बटन देख रहे हैं ना, कितने कलरफुल बटन है यहाँ पर। आपको और भी सारे बटन मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत सारे बटन आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी स्टाइलिश स्टाइलिश। मैं यहाँ पर ऐड को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको यूज करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डायलर कॉल डायलर के बैकग्राउंड में मैं अपना फ़ोटो और इसके बाद ये बटन जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगाया है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने कॉल डायलर के बैकग्राउंड में अगर आप ऐसा अपना लगाना चाहते हैं ऐसा जो है कि फ़ोटो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सबसे पहले लाल कलर से लिखा हो, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। और बगल में बिल्कुल छोटी सी घंटी आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कमेंट अच्छा सा प्यारा सा लिखना है, जो आपके दिल में हो। नाइस लिख देना, नाइस ट्रिक, नाइस ऐप, जो भी लिखना आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो इस टाइटल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐप लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले बहुत सारी सेटिंग करना है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोडिंग होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। ये वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाला बटन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डायलर में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही लगा रखा है, तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और यहीं से मैं कोई भी नंबर डायल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी नंबर डायल करके मैं जो कि यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। अब आप कैसे फ़ोटो लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, उस पर सेट डायलर पैड बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टेक फोटो पे क्लिक करना है और गैलरी से कोई भी आपको एक फ़ोटो ले लेना है, जो आप गैलरी से फ़ोटो लेना चाहते हैं कोई भी। यहाँ पे मैं जो कि सपोज यहाँ पे कोई भी फ़ोटो आपके सामने ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेने के बाद यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लग चुका है, यहाँ पर चाहिए तो बटन आपको चेंज करना है, तो बटन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे चेंज फॉन्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइलिश स्टाइलिश आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है कि अपने डायलर पैड के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो और साथ ही साथ अच्छी कीपैड नंबर जो कि अच्छा लगा सकते हैं, जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।